hello and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 31st october 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper first article is about national unity day this topic is important from our syllabus gs paper one post independence history point of view देखिए मैंने एक दो दिन में पहले भी आपको न्यूज पेपर को बताया था कि इकतीस अक्टूबर को हर साल हमारे देश में नेशनल यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज दिस इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि देश की एकता को बनाए रखने में खासकर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान है तो भारत सरकार ने 2014 में इकतीस अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे डिक्लेयर किया सरदार पटेल इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया तो जैसे बिस्मार्क को क्रेडिट दिया जाता है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वैसे ही सरदार पटेल इज गिवेन क्रेडिट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से द प्रिंसली स्टेट्स वे गिवेन थ्री ऑप्शन उस टाइम के जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे

कि सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना हमारा देश का टेरिटरी कुछ ऐसा दिखता बट इट वॉज बिकॉज सरदार पटेलरीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल दैट इज वाई ही आयरन मैन ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो उनकी थी आयरन जैसी पर्सनैलिटी थी लॉ पुरुष जिस कारण से उन्होंने भारत को एक पूरी कंसोलिडेट किया पूरी तरीके से कुछ और फैक्ट्स देखें अगर सरदार पटेल जी के बारे में तो अगर इंडिपेंडेंस से पहले उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो उनका नाम जोड़ा जाता है विद खेड़ा सत्याग्रह बारदौली सत्याग्रह जो फार्मर्स मूवमेंट था पर इनफैक्ट उन्होंने इस फार्मर मूवमेंट को खेडा या बारदोली सत्याग्रह के जो फार्मर मूवमेंट है उसको नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के साथ लिंक किया फार्मर्स को मोटिवेट किया टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन और बारदोली सत्याग्रह के वक्त ही विमेन ऑफ बारदोली बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल सरदार मतलब चीफ और द मेन लीडर तो सरदार का टाइटल जो है उनको बारदोली सत्याग्रह के वक्त दिया गया बाय द विमेन ऑफ बारदोली आजादी के बाद ही वाज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज आजादी के बाद के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से थे दैट सस्टेन्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया आल्सो लेकिन उनका किस तरीके का नेचर होना चाहिए कैसे उनको काम करना चाहिए व्हाट शुड बी देयर न्यू विजन वो रास्ता दिखाया सरदार पटेल ने जो सिविल सर्वेंट्स थे आजादी के वक्त इसीलिए ही इज नोन एज पैटर्न सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स तो इन सिविल सर्विसेज को uh, या सिविल सर्वेंट्स को नेशनल सर्विस की तरफ मोटिवेट करने के लिए सरदार पटेल का काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इनफैक्ट फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी सरदार पटेल का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ही हेडेड वेरियस कमिटीज ये सब आप बेसिक पॉलिटी में जरूर रखते होंगे ही हेडेड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी उन्होंने हेड किया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सरदार पटेल के कॉमेमोरेशन में एक स्टैचू बनाया गया 2018 में भारत सरकार ने बनाया गुजरात के अंदर केवड़िया गुजरात में विच इज नोन एज द स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके हंड्रेड एंड बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको इनागरेट किया गया ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये एक बड़ा सी 182 मीटर टॉल है टॉलेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड दूसरे नंबर पर जो स्टैचू आता है वो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ऑफ चाइना जो अंदाजन 128 मीटर के आसपास है अगर बात की जाए ऑफ लिबर्टी के जो यूएस में तो उससे दो गुना हाइट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की और स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मुझे लगता है पिछले साल एपीएससी में क्वेश्चन भी आया था हाईएस्ट स्टैच्यू कहा है ऐसा कुछ सवाल आया था इनफैक्ट जनवरी ट्वेंटी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वॉज एडेड एज एट वी तो इस आठवें वंडर का भी टाइटल दिया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये रखा है आप कहीं वहां पे लिख सकते हैं ये आइडिया कि सरदार पटेल ने हर तरीके के जो अपने तरीके अपनाए हर इनिशियटिव अपनाए साम दाम दंड भेद इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया तो वहां पे साम का एग्जाम्पल कॉम्युनिकेशन दाम

और ये बोर्ड वर्क लिखते जाइए अपने नोटबुक में ताकि बाद में रिवीजन में आसानी रहे द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रिजनर्स प्रिजनर्स डायलेमा डायलेमा देखिए एक शब्द है जो इंटरनेशनल में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुझे नहीं लगता है कि सीधा सीधा आई आर जी एस पेपर टू में इस पे प्रश्न आएगा लेकिन हाँ ऐसे वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और खुद से आंसर लिखते वक्त आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिजनर्स डायलेमा तो इसके लिए मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूं दिस क्वेश्चन विल नॉट डायरेक्टली कम इन एग्जाम की वॉट इज प्रिजनर्स डायलेमा मेन्स में ऐसा नहीं आएगा मैं लगभग लगभग आपको गारंटी दे सकता हूँ येट यू मस्ट नो दिस ताकि कभी लिखते वक्त ऐसे वगैरह में आप इसको इसका जिक्र करें तो आपका लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो समझते हैं क्या है प्रिजनर्स डायलेमा लेकिन उसके लिए पहले हमें समझना होगा गेम थ्यूरी देखिए गेम थ्यूरी एक मैथमेटिकल थ्यूरी है जिसको फिर इंटरनेशनल रिलेशन में या इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया जाता है गेम थ्योरी सिंपली ट्राइज टू एक्सप्लेन कि हाउ पीपल वुड बिहेव व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सम स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ये ऐसे हालत में ये कैसा स्टेप लेगी क्या क्या स्टेप ये ले सकती है वो बताने की कोशिश करता है गेम थ्योरी तो जैसे कि चेस जो है बहुत ज्यादा मैथ्स से रिलेटेड है तो चेस बहुत ज्यादा गेम थ्योरी के बेसिस पे खेला जाता है कि ये जब अपना चाल चलती है ये प्लेयर जब अपना चाल चलता है तो यही सोच करके चलता है कि अब सामने वाला क्या सोच रहा होगा और वो कैसा चाल चलेगा तो गेम थ्योरी इज वेरी मच क्लोज टू मैथ्स और चेस गेम थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन की व्हाट वन पार्टी विल डू और व्हाट इट माइट डू स्पेशली इसको नहीं पता है कि एग्जैक्टली exactly ये सामने वाला क्या सोच रहा है या ये क्या करने वाला है फिर भी ये गेम थ्योरी मदद करती है पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में कि ये ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है तो बेसिकली इनके दिमाग में जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि ऐसा भी कर सकता है ऐसा भी कर सकता है ये सब कुछ गेम थ्योरी एक्सप्लेन करता है तो गेम थ्योरी आई जस्ट होप इज क्लियर कि एक इंसान दूसरे सामने वाले इंसान के बारे में जब अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये क्या चाल चल सकता है दैट इज गिवन बाय गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में अलग अलग मॉडल्स हैं। एक मॉडल है गेम थ्योरी का जिसको कहा जाता है प्रिजिनर्स डायलेमा। तो गेम थ्योरी को अलग अलग मॉडल्स एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली तो ये एक मैथ्स की थ्योरी है जिसमें इसी इंसान के दिमाग में अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या आ सकती हैं जब वो किसी दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट कोई गेम को खेल रहा है तो वो बताता है गेम थ्योरी गेम थ्योरी को अलग अलग मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है एक मॉडल है प्रिजनर्स डायलेमा उसको जरा देखते हैं तो प्रिजनर्स डायलेमा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें दो दोस्तों को दो चोर हैं आपस में दोस्त भी हैं इनको पुलिस ने मान लीजिए गिरफ्तार किया है पुलिस या जा टू है अब इन दोनों से अलग अलग कमरों में बिठा करके पूछताछ हो रही है कि हाँ भाई बताओ तुम दोनों मिलकर चोरी कर रहे थे ना क्या हुआ कैसे हुआ बताओ तो गेम थ्योरी में जो ये मॉडल है प्रिजनर्स डैलेमा ये कहता है कि दोनों के दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ सिचुएशन है मान लीजिए एक है प्रिजनर ए दूसरा है प्रिजनर बी अगर दोनों चुप रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं तो मैक्सिमम दोनों को दो दो साल की सजा हो सकती है लेकिन मान लीजिए कि ए चुप रहता है कुछ नहीं बोलता है लेकिन बी ए के राज खोल देता है बी कन्वेस कर लेता है कि हां सर ए ने ऐसा ऐसा करवाया था मैं तो निर्दोष हूं सर ए ने मुझे चढ़ाया था जबकि ए बेचारा चुप रहता है कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं तो इसमें होगा क्या कि ए को हो जाएगी आठ साल की सजा मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं और बी को बस एक साल की सजा होगी उसका ठीक विपरीत अगर मान लीजिए कि बी चुप रहता है कि नहीं मुझे मैंने नहीं किया ए कन्फेस कर लेता कि नहीं सर मैं निर्दोष हूं मैं तो बेगुनाह हूं मुझे बी ने फंसा दिया बी ने उकसाया कि ऐसा काम करते हैं मुझे कम सजा दी जाए तो उस चक्कर में ए को एक साल की सजा होगी बी को आठ साल की होगी अगर दोनों कन्फेस कर लेते कि हाँ हाँ सर ए ने मुझे फंसाया बी कहता नहीं सर ए ने मुझे फंसाया ए कहता नहीं सर बी ने मुझे फंसाया तो दोनों को पांच पांच साल की सजा होगी तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं गेम थ्योरी के अंदर प्रिजनर्स डायलेमा जो मॉडल है वो ये कहता है कि अगर दो प्रिजनर्स को ऐसे जो आपस में दोस्त भी हैं मान लीजिए उनको पुलिस अगर पकड़ के पूछताछ करती है अलग अलग कमरों में तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनते हैं नॉर्मली अगर वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे पे भरोसा करेंगे तो दोनों साइलेंट रहेंगे उस केस में दोनों को बहुत मिनिमम सजा होगी दो दो साल की होगी लेकिन अगर दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते तो दोनों को पांच पांच साल की सजा होगी लेकिन नुकसान कब होगा जब एक भरोसा करता और दूसरा नहीं करता है तो जो दूसरा भरोसा कर रहा है उसको लंबी सजा हो सकती है ए ने मान लीजिए भरोसा किया और उसने कुछ नहीं बोला जबकि बी ने मुंह खोल दिया तो ए को इतनी लंबी सजा हो सकती है तो दैट इज प्रिजनर्स डायलेमा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो गेम थ्योरी का एक मॉडल है जो बताता है कि नॉर्मली हम लोग जब भी वर्ल्ड में भी इंटरक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस में या किसी दूसरे इंसान से डे टू डे इंटरेक्शन में तो भी वी आर इन अ मोड ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा कि इससे मैं सीधा सीधा खुल के बात करूं ईमानदारी से बात करूं कोऑपरेट करूं या इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको थोड़ा सा झूठे प्रोमिस करूं कुछ गलत बातें बताऊं तो ये एक डायलेमा हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है वेन वी इंटरक्ट विद सम अदर पार्टी इन आवर डे टू तो डे लाइफ ऑल्सो so दैट इज नॉन एच प्रिजनस डायलेमा क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर हमने सामने वाले पे पूरा भरोसा किया और सामने वाले ने हमारा भरोसा तोड़ा तो हम ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे सबसे अच्छा रहता है जब दोनों आपस में भरोसा करते हैं तो दैट इज बेस्ट सिचुएशन दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं वो भी ठीक है दिक्कत कब होती है 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 जब एक भरोसा करता करता और दूसरा नहीं राइट right. अब ये चार डायलेमा हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं नॉर्मली सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि हम प्रिजनर हो तभी डायलेमा होगा तो नाम दिया है प्रिजनर्स डायलेमा तो बेस्ट आउटकम कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ कोशन विच इज दिस वन बट प्रॉब्लम इज कि कोऑपरेशन के वक्त सामने वाले को पता नहीं होता है कि मैं तो कोऑपरेट करूंगा लेकिन दूसरी पार्टी कोऑपरेट करेगी कि नहीं करेगी एंड दैट इज द डायलेमा विच वी फेस इन आवर रियल लाइफ दिस इज द डायलेमा दैट इज फेस्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो दिस इज द डायलेमा दैट इज फेस्ड इन बिजनेस इज ऑल्सो सो आई जस्ट होप प्रिजनर्स डायलेमा का आपको क्लियर है प्रिजनर्स डायलेमा हाल फिलहाल में न्यूज में आया क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ड्यूरिंग अ कॉन्क्लेव जिसका नाम है गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव वहां पर शब्द का जिक्र किया उन्होंने कि देखिए रीजनस डायलेमा के कारण दिक्कत क्या होती है कि हर एक देश अपना अपना आर्म्स एम्यूनेशन बिल्ड करता रहता है जैसे मान लीजिए चाइना को हम पे शक है हमें चाइना पे शक है कि हम कॉपरेट करेंगे चाइना धोखा दे देगा चाइना सोच रहा है कि हम कॉपरेट करेंगे भारत धोखा दे देगा इस चक्कर में दोनों अपना अपना आर्म्स एम्यूनेशन बिल्ड कर रहे होते हैं बिल्ड करने के कारण होता क्या है कि बहुत सारा फंड होता है पे जिस कारण से लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है इसीलिए है हमारे डिफेंस ने कहा कि अलग अलग देश दुनिया मेंट से बाहर निकले एंड देयर मस्ट बी समेसिक ग्राउंड रूल इन जियो पॉलिटिक्स टू एंश्योर दैट कंट्रीज डू नॉट इंटर इन आर्म्स रेस अदरवाइज

ग्लोबल uh, ऑर्डर में चाहे यूनाइटेड नेशंस वगैरह पे कि दुनिया के देश जो हैं इस डर से बाहर निकले प्रिजनेस डायलेमा से बाहर निकले तभी जाकर के वो अननेसेसरी आर्म्स एम्युनेशन बिल्डअप नहीं करेंगे एंड देन ओनली दे माइट बी एबल टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर पीपल तो ये तो करेंट डेवलपमेंट हो गई अगर बात की जाए एप्लीकेशन ऑफ प्रिजनेस डायलेमा इन इकोनॉमिक्स तो वहां पे भी इट इज कम्प्लीटली ट्रू एग्जाम्पल जैसे आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिया कि मान लीजिए कि दो आइसक्रीम बेचने वाली कंपनियां हैं दोनों अपना कॉस्ट कट करते जा रहे हैं प्राइस कट करते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर मोर एंड तो सौ रुपए से घटा के नब्बे कर दिया नब्बे से घटा के अस्सी कर दिया अब दोनों डायलेमा में है कि मान लो कि मैं ना घटाऊं और सामने वाला घटा दिया दाम तब तो मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा वैसे ही दोनों इस चक्कर में अपना प्राइस गिराते जा रहे हैं इस चक्कर में दोनों को नुकसान होता जाएगा और नुकसान का लेवल ऐसा बढ़ सकता है कि दोनों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए सो दैट वुड बी बिगर प्रॉब्लम सो इसीलिए प्रिजनेस डायलेमा में बेस्ट माइंडसेट होता है कि टू ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर टू कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंडिविजुअल्स मस्ट मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर बट द प्रॉब्लम इज कि इफ वी कोऑपरेट एट द अदर पार्टी डज नॉट कोऑपरेट देन वी विल हैव बिगर डैमेज दैट इज अ प्रिजनेस डायलेमा तो इकोनॉमी में भी प्रिजनर्स डायलेमा का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है तो मैं समराइज कर दू एक लाइन में कि डायलेमा जो है वो एक मॉडल है विच इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट विच इज वेरी मच क्लोज टू द आइडिया ऑफ मैथ्स एच एस गेम थ्यूरी के अंदर एक मॉडल है प्रिजनर्स डायलेमा प्रिजनर्स डायलेमा में लोगों के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है मैं कॉपरेट करूं कि ना करूं क्योंकि दोनों ने कॉपरेट कर दिया तो बेस्ट है लेकिन दोनों ने नहीं कॉपरेट किया तो भी ठीक है लेकिन एक ने किया एक ने नहीं किया तो जो कॉपरेट करता है उसको नुकसान हो जाता है दैट इज अ डायलेमा दैट वी फेस इन आवर लाइफ इसका एप्लीकेशन इंटरनेशनल रिलेशन में और बिजनेस में काफी ज्यादा है प्रोजेक्ट दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर सिलेबसनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कालादान जो प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मतलब अलग अलग मोड का ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल ये आ, आप देखिए कोलकाता से ये जो हुगली रिवर है पहले रिवराइन ट्रांसपोर्ट होगा फिर सी रूट होगा ये जो सी रूट है वो कनेक्ट करेगा टू तो दित्वे पोर्ट ऑफ म्यांमार और सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार से फिर कालादान रिवर जो रिवराइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ ये लेकर के जाएगा पलेटुआ तक विच इज इन मैं फिर पलेटुआ कलेटुआ हाईवे दिस पलेटुआ कलेटुआ हाईवे पलेटुआ कलेटुआ हाईवे हाई विल कनेक्ट टू द सदर्न रीजन ऑफ मिजोरम तो इस तरीके से कोलकाता को विथ हेल्प ऑफ दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है विथ द सदर्न पार्ट ऑफ मिजोरम स्टेट और इस तरीके से क्या होगा कि कोलकाता का डिस्टेंस विथ मिजोरम वो लगभग हजार किलोमीटर तक कम हो जाएगा एंड इट विल टेक अबाउट थ्री टू फोर डेज लेस टू ट्रांसपोर्ट सम गुड्स टू द दिस रीजन इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पोटेंशियल काफी हद तक खुलेगा क्योंकि हाल फिलहाल में हो क्या रहा है कि अगर हमें कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर लाना है नॉर्थ ईस्ट में तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द वेरी नैरो लैंड कॉरिडोर जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी कहते हैं तो अगर ये कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा विच इज बी डेवलप्ड एज एन इंटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार तो इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सिप के मेथ से और फिर बाकी सारे रूट से आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स न्यूज यही है कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अब लगभग बनकर के तैयार हो गया है काफी सालों से बन रहा था लगभग बनकर तैयार हो गया है तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से क्रॉस बॉर्डर रोड ये जो रोड है आप देखिए पलेटुआ पलेटुआ तो हाईवे तो ये म्यांमार में है अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है विथ लॉन्ग्लाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन रोड लिंकिंग टू कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट विच इज इन मिजोरम लॉन्ग्लाई डिस्ट्रिक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई नवंबर दिस तो बाकी सारा नेटवर्क लगभग तैयार है ये रिवराइन रूट सी रूट अगेन कालादान रिवर पे रिवराइन रूट एंड देन रोड नेटवर्क ये लगभग तैयार है।, है इसको भी नवंबर में रेडी कर लिया जाएगा यही करंट न्यूज है इतना आप अपने नोटबुक में लिख लें तो आगे रिवाइज करने में आसानी रहेगी इस टॉपिक वैसे टेन दिस क्वेश्चन इन दॉमेंट सेक्शन जी होवाटनेटेंट फ्रॉम फिलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हुआ क्या है करेंट न्यूज देखिए आ, कोची में केरला के कोची में जिहोवा विटनेस सेक्ट के लोगों के ऊपर टेरर अटैक हुआ जिसमें दो लोगों की जान गई है ड्यूरिंग देयर संडे प्रेयर बाद में इसी सेक्ट का एक स्ट्रेंज मेंबर मतलब जिसको निकाल दिया गया अबेंडन किया हुआ एक मेंबर डोमिनिक मार्टिन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है बट दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इज कि विटनेसेस होते क्या है तो लुक विटनेसेस आर क्रिस्चियस ओनली दे आर वन सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी बट दे हैव सम फंडामेंटल डिफरेंस फ्रॉम कैथोलिक क्रिश्चियनिटी तो कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं दे बिलीव इन होली ट्रिनिटी होली ट्रिनिटी मतलब

बट जो ये जिहोवा विटनेसेस वाले सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी के उनका मानना है कि नहीं गॉड कैन बी जस्ट वन देर कुड नॉट बी थ्री गॉड सो देर इज जस्ट वन टू अलमाइटी गॉड विच दे कॉल जिहोवा जीसस क्राइस्ट में भी वो भरोसा रखते हैं बट जीसस क्राइस्ट को वो भगवान का दर्जा नहीं देते जिहोवा विटनेसेस वाले लोग वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज किंग ऑफ गॉड्स किंगडम इन हेवन तो स्वर्ग के अंदर हेवन के अंदर जो भगवान का किंगडम है उसके किंग है जीसस क्राइस्ट बट नॉट गॉड हिमसेस के लोगों पासर नेम चार्ल रोशल तो ये बोर्ड वर्क है आप इसको लिख लीजिए रिवाइज कर लीजिएगा हो सकता है पीटी में आपसे सवाल पूछ लिया छोटा सा पीटी रिलेटेड टॉपिक और है मेरा

जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था सेकेंडरी सेक्टर कंस्ट्रक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कम्स इन टू टर्सियरी राइट न्यूट्रीनोज डो नॉट हैव हाई मासेस तो बिल्कुल नहीं है नेग्लीजेबल मासेस तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग